हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक नेट दुपट्टा, जिसकी डेकोरेशन मैं एक टेसल लेस से करूंगी और कुछ स्टोन से। इस दुपट्टे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा नेट। यहाँ मैंने वाइट फैब्रिक लिया है, वाइट नेट फैब्रिक, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दुपट्टे के चारों ओर लगाने के लिए ये लेस, जो कि मैंने इसे 7 मीटर लिया है। एंड दुपट्टे को डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टोन्स, मैंने इसके लिए 2 शेप का स्टोन लिया है। इसे लंबाई में 2.5 मीटर और चौड़ाई में 1 मीटर कट कर लेंगे। अब हम स्टोन लेंगे और उसी से इस दुपट्टे को डेकोरेट करेंगे। स्टोन्स को लगाने के लिए मैं यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज कर रही हूँ। अब हमें दुपट्टे में मार्किंग करनी है कि हम कहाँ कहाँ स्टोन्स लगाएं। इसके तरीके मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन यहाँ मैं दूसरे ट्रिक का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक है जिसमें पहले से ही सिक्विन लगी हुई है। अब इसके ऊपर मैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाऊंगी और उसके ऊपर मेन फैब्रिक, क्योंकि नेट तो सी थ्रू होता ही है, जिसकी वजह से हमें नीचे का सिक्विन आसानी से दिखाई दे रहा है। बस हमें वहीं वहीं इसे स्टिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। दुपट्टे में इन स्टोन्स को मैंने 2 तरीके से लगाया है, कहीं कहीं सिंगल और कहीं कहीं इसे बंचेस में लगाया है। मैं यहाँ स्टोन लगाने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। स्टोन लग जाने के बाद अब हम इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब दुपट्टे को डेकोरेट करने के लिए हम लेस का यूज करेंगे। यहाँ मैं फ्रिंज लेस का यूज कर रही हूँ, या टैसल लेस भी कह सकते हैं आप। इस लेस को मैंने द डिजाइन कार्ड से लिया है। स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप 10% डिस्काउंट के लिए सिस्टर डाई 10 कोड का यूज कर सकते हैं। लेस का ये पूरा बंडल 9 मीटर का है, जिसमें से हमें 7 मीटर ही यूज करना है। इसे हम दुपट्टे के चारों ओर अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहें तो एक और लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसी लेस का यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरीके से टर्न करके अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये दुपट्टा रेडी है। आप चाहें तो लहंगे के साथ या फिर सूट के साथ इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।